जैसा इस वक्त ये यात्रा का 29 तारीख से जो यात्रा शुरू हुई है अमरनाथ यात्रा, हम इस वक्त इस यात्रा का डिस्ट्रिक्ट रामबन में वेलकम करते हैं। ये हर साल यात्रा चलती है, पिछले दो साल से कोविड की वजह से यात्रा नहीं हुई, तो ये कई सालों से ये यात्रा का सिस्टम चलता आया है और इसमें हम अपना इस यात्रा को वेलकम करते हैं। जब यात्रा आती है तो काफ़ी चहल पहल होती है, लोगों के कारोबार में फ़ायदा होता है। वहाँ अमरनाथ में जब वहाँ पे जो हमारे लोग घोड़े वाले होते हैं, जो फिर वो अपना जो पिट्ठू लेके चलते हैं, सब लोगों को इसका फ़ायदा होता है। मगर आज का जो आज की इस दफ़ा जो यात्रा स्टार्ट हुई है, तो इसमें जो अपना एक गवर्नमेंट ने, जो हमारी LG गवर्नमेंट है उसने, और हम जो हमारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, अब इनको क्या ऊपर से हदायत है ये हमें मालूम नहीं है। जो इस वक्त ट्रांसपोर्ट का मसला चल रहा है उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है, उसमें जो जनरल पब्लिक है वो बड़ी हरासमेंट हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर LG हुकूमत से हम दरख्वास्त करते हैं कि इस चीज़ को थोड़ा सा देखा जाए, एक ऐसी एडवाइजरी जारी की जाए जिससे लोकल लोगों को और जनरल अपना पब्लिक को जो हरासमेंट ना हो, क्योंकि जगह जगह रोका जाता है। जैसे स्कूल में बच्चों का मसला है, टीचरों का मसला है, और ऑफिस में जब एम्प्लॉइज ने जाना होता है तो सुबह 11-12 बजे से पहले वो अपने ऑफिस में नहीं पहुंच सकते, ऊपर से बायोमेट्रिक सिस्टम किया हुआ है, ये बहुत बड़ी परेशानी है कि सुबह 11-11 बजे तक गाड़ियों को रोका जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। देखिए जनाब, जो पिछले दिनों 10 दिन पहले जो पिछली बारिशें हुई उसमें जो है कभी गांधी रोड जो है पूरा लगभग 200-250 मीटर एरिया जो है पूरा निकल चुका है, मगर अभी तक जो है उसके ऊपर कोई भी गौरसानी नहीं हो रही है, क्योंकि पूरा कभी गांधी ब्लॉक जो है इस वक्त लोग सफ़र कर रहे हैं, लोगों ने कहीं ऑफिस में जाना है, कहीं लोग पहुँच नहीं रहे। अभी तक उसके ऊपर गवर्नमेंट ने और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई उस पर ऐसा डिसीजन नहीं लिया कि वो लोगों के लिए आवाजाही के लिए कोई भी अपना छोटा मोटा उसको क्लियर करके उनका आने जाने का कोई साधन किया जाए। इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिपार्टमेंट जो PWD है उनसे हम अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है कभी गांधी रोड को अपना खोला जाए। अगर उसका कोई बड़ा प्रोजेक्ट का ऐसा कोई सिस्टम है, उतनी देर उसको कोई ऐसा मतलब छोटा मोटा कोई लिंक रोड उसको अपना कोई कटिंग वगैरह करके जो है कि लोगों के आने जाने के लिए कोई एक साधन किया जाए। ये हमारी LG सरकार को भी अपील है और अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील है कि जल्द अज जल्द उन लोगों के अपने मसले मसाइल थोड़े हल किए जाएँ, क्योंकि लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। किसी ने अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आना है, लोग आ नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़ी परेशानी है लोगों को। देखिए सर, हमारा भी यही कहना है कि बटोत में ट्रामा सेंटर जो है सेंक्शन हुआ है, ये हमें पूरा पता है, सेंक्शन हुआ है, उसका प्रोजेक्ट सेंक्शन है, DPR भी बन गई है, प्रोजेक्ट सेंक्शन तक हो चुका है, और उसमें हमें भी सुनने में आ रहा है कि कोई उसमें ऑफिसर जो है थोड़ा बहुत उसमें जो है मतलब कानासुई कर रहे हैं कि भाई बटोत में ये ज़रूरत नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं LG सरकार से कि बटोत जो एक है पूरे जम्मू कश्मीर का चनाब खित्ते का सेंटर है, पूरे जम्मू कश्मीर का भी और चनाब खित्ते का भी एक बटोत जो है एक सेंटर प्लेस है। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, अगर बटोत में ट्रामा सेंटर हो तो हर जगह कोई भी नियरेस्ट कोई भी एक्सीडेंट 10-20 किलो 30 किलोमीटर के एरिया में कोई भी होता है तो बटोत में उसको ला के उसका इलाज हो सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे अफसरों को इसमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। जिस जगह के लिए जो अपना ट्रामा हॉस्पिटल सेंक्शन हुआ है उस जगह पे बनना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक वाइट बटोत है और बटोत हेल्थ जो हमारा हॉस्पिटल है सबसे ज़्यादा पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लैंड जो है बटोत हॉस्पिटल वाल के पास अपनी लैंड है इतनी कि जहाँ पर जाके ये चीज़ बन सकती है। दूसरी जगह में अगर कल को जाता है वहाँ लैंड अक्वायर करनी है, लोगों को कंपनसेशन देना है, यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इतनी हेल्थ की अपनी ज़मीन है कि यहाँ आराम से हर चीज़ जो है अपना बन सकती है। आपने भी देखा होगा बटोत हॉस्पिटल के साथ में आपने देखा है इतनी बिल्डिंगें बनी हैं और उसके कितनी लैंड हमारे पास खाली पड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि जो हमारा बटोत के लिए जो है अपना ट्रामा हॉस्पिटल सेंक्शन हुआ है वो हमारे बटोत में बनना चाहिए, उसको कहीं आगे पीछे अपना कोई भी लेने की कोशिश ना करे। ये हमारी LG हुकूमत से पुरजोर अपील है कि जो चीज़ जहाँ के लिए सेंक्शन हुई है वहाँ वो बननी चाहिए।